सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास खबरां ते। दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने गोवा विच मुख्यमंत्री दे चेहरे का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार गोवा विधानसभा चोणों विच आम आदमी पार्टी वालों मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अमित पलेकर होणगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित पलेकर पेशे तो वकील ने, भंडारी भाईचारे तो आते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमित गोवा में हर भाईचारे के लोगों की मदद करते आए हैं, उन्होंने सब तो ज्यादा मदद कोरोना दौरान की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में लगभग 250 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। इन प्रोजेक्टों में ज्यादातर के पिछली कांग्रेस सरकार वालों खेत्र में दिए गए तोहफे होने के विरोधी धिर के दावे बारे पूछे जाने पर ठाकुर ने कहा कि विरोधी धिर का यह कहना उसकी मजबूरी है। उन्हें कहा कि साड़ी सरकार जनता लिए काम कर रही है, तो जदों साडे कार्यकाल में कुछ प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं तो उनका उद्घाटन करना साड़ी सरकार की जिम्मेवारी है। पंजाब ईडी की रेड दौरान बरामद हुए पैसे को लेकर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उत्ते वड्डा शब्दी हमला किया है। उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार के घर और होर थावां उत्ते ईडी वालों बीते दिन छापेमारी की गई थी, जिस दौरान 10 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। करोड़ों रुपए के नाल नाल वड्डी मात्रा में सोने के गहने ते कागजात भी बरामद हुए हैं। राघव चड्ढा ने मुख्यमंत्री चन्नी उत्ते तंज कसते हुए कहा कि वह दस देण कि उन्होंने परिवार में होर कौन कौन है जिस कोल इन्ने पैसे ने। ईडी की रेड दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भुपिंदर सिंह हनी के घर में करोड़ों रुपए बरामद होने उत्ते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी तो अस्तीफे की मांग की है। अमृतसर में वड्डे इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि जेकर मुख्यमंत्री के मोरिंडा के घरों रेड की जाए तो नोटों के ट्रक मिलेंगे। अमृतसर में 3 कौंसलर कांग्रेस को अलविदा कहते हुए श्रोमणी अकाली दल बादल में शामिल हो गए। सुखबीर सिंह बादल ने उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। ईडी की रेड दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भुपिंदर सिंह हनी के घर में करोड़ों रुपए बरामद होने उत्ते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी तो अस्तीफे की मांग की है। अमृतसर में वड्डे इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि जेकर मुख्यमंत्री के मोरिंडा के घरों रेड की जाए तो नोटों के ट्रक मिलेंगे। अमृतसर में 3 कौंसलर कांग्रेस को अलविदा कहते हुए श्रोमणी अकाली दल बादल में शामिल हो गए। सुखबीर सिंह बादल ने उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। संयुक्त समाज मोर्चा वालों विधानसभा चोणों लिए अपने उम्मीदवारों की तीजी सूची जारी कर दी गई है। मोर्चे वालों 17 उम्मीदवारों के नाम ऐलाने गए हैं। यह ऐलान प्रेम सिंह पंगू, कुलवंत सिंह, प्रगट सिंह, गुरजंट सिंह ने किया। संयुक्त समाज मोर्चा वालों बाकी उम्मीदवारों का ऐलान भलके ज 21 जनवरी को करने की संभावना है। जिक्रयोग है कि संयुक्त समाज मोर्चा वालों अज उम्मीदवारों की तीजी सूची का ऐलान करने के नाल मोर्चा वालों ऐलाने गए उम्मीदवारों की गिनती 57 हो गई है। संयुक्त संघर्ष पार्टी के प्रधान और किसान आगू गुरनाम सिंह चढ़ूनी वालों विधानसभा चोणों को मुख्य रखते हैं पार्टी के 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि पुलाथ सीट उत्ते अजे उम्मीदवार का फैसला नहीं हो सकया, इसलिए इस सीट उत्ते उम्मीदवार का ऐलान बाद विच कीता जाएगा। श्री मुक्तसर साहब विच किसानों नाल मीटिंग करन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के पंजाब प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पत्रकारों नाल गलबात दौरान कहा कि संयुक्त समाज मोर्चे वालों दूजिया सियासी पार्टियां वालों रिजैक्ट किए गए व्यक्तियों को टिकटां दित्तियां जा रही ने। उन्हें कहा कि मीटिंग का मकसद बीते दिन हुई संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में लए गए फैसले तो किसानों को जाणू करवाना है। उन्हें कहा कि दिल्ली धरना चुकने समय भाजपा ने जो वादे किए सन पूरे नहीं हुए, जिस कारण 31 जनवरी जिला हैडक्वार्टर उत्ते केंद्र सरकार के पुतले फूके जाएंगे। इस तो इलावा लखीमपुर खीरी घटना संबंधी 21-22 जनवरी यूपी में किसानों वालों रोस मार्च कढ़ाया जाएगा। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दस दिए कि सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दयानंद हस्पताल में अपनी डॉक्टरी जांच करवाने लिए आए सन। डीएमसी के डॉक्टर वालों उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया गया। मिली जानकारी मुताबिक पिछले कुछ दिनों तो सरदार प्रकाश सिंह बादल की सेहत कुछ खराब दसी जा रही है, जिस कारण उन्होंने चैकअप लिए इत्थे लिया गया। इस मौके हस्पताल में पुलिस वालों सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने और घूमने के चाहवान लोगों लिए चंगी खबर है। 19 जनवरी तो ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों से छुट्टियां मनाने वालों को देश वीजा अर्जी फीस माफ कर दी जाएगी, ताकि सैलानी को उत्साहित किया जा सके। बुधवार तो अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों लिए 8 हफ्तों लिए छुट्टियां मनाने वालों लिए 12 हफ्तों लिए वीजा फीस माफ कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि यह घोषणा देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट कारण कर्मचारियों की कमी को पूरा करने लिए की गई है। विदेशियों का दाखला रोकने के 2 साल बाद देश के ओमिक्रॉन के वाधे के बावजूद बहुत सारे वीजा धारकों ऑस्ट्रेलिया की सरहद मुड़ खुल गई है।
श्रोमणी अकाली दल के मौजूदा विधायक हरिंद्रपाल सिंह चंदूमाजरा ने दावा किया कि 2022 विधानसभा चोणों में श्रोमणी अकाली दल बादल और बसपा गठजोड़ की जित होगी। साडे पत्रकार अमरजीत सिंह नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि दिल्ली तो रिमोट कंट्रोल नाल चलन वाली पार्टियां पंजाब लई ठीक नहीं ने। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्र सरदार हरमीत सिंह कालका ने कहा कि दिल्ली कमेटी चोणों में संगत वालों दिए फतवे अनुसार दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर की 30 मैंबरी टीम 22 जनवरी को होण जा रही चोण वास्ते तैयार बर तैयार है। समुचे मैंबर के नाल सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदिया सरदार हरमीत सिंह कालका ने कहा कि असी बहुत वड्डी लड़ाई दिल्ली कमेटी दी चोणां नूं लैके पिछले लंबे समय तो लड़ी है। कालका ने होरना पार्टियां दे मैंबरां नूं भी सद्दा दिता कि वह संगत के फतवे का सत्कार करदिया इस टीम नाल जुड़न, उन्हां नूं पूरा माण सत्कार दिता जाएगा। जांदे जांदे नज़र मारदे आने वाले कल के मौसम के हाल उत्ते चढ़ती कला फास्ट न्यूज़।